हेलो भाई, नमस्कार। तो एक मैं और नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग लगभग 4 बजे हैं। तो ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, आप इसको लास्ट तक देखना। तो आपको दिखाता हूँ मैं आज क्या दिखाने वाला हूँ ब्लॉग पे। तो आप लास्ट एंड तक बने रहना। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में, तो आगे को देखते रहना इस ब्लॉग को। तो चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अभी शाम का आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार कि चारों तरफ से कैसा मौसम हो रखा है अभी शाम का। तो एक बार दिखाता हूँ आपको। तो हमारे गांव में 3 मंदिर हैं। तो एक तो देख रहे होंगे पीछे आप, ये है गंगनाथ जी, और एक मंदिर दिखाऊंगा आपको इसके बाद में हरजू का, और एक मंदिर दिखाऊंगा आपको देव मैया का। तो आप लास्ट में वीडियो में बने रहना। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो आपका सपोर्ट ही बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये है हमारे गंगनाथ जी का मंदिर। तो इनके अंदर ये यहाँ पर जो स्थापना की गई है, तो यहाँ पर त्योहारों में पूजा अर्चना होती है। तो गांव के लोग आते हैं पूजा अर्चना करने हर त्योहार में। तो ये गंगनाथ जी का मंदिर है गांव का, छोटा सा मंदिर, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बाकी देख ही दिया होगा आपने। तो इसके चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको मंदिर के। तो ये चारों तरफ का व्यू है मंदिर का। तो इसके अगल बगल खेत है मंदिर के। तो ये हमारे भगवान जी जो हरजू गंगनाथ जी का मंदिर है ये वाला, तो आपको दिख गया होगा पीछे, आपको दिख गया होगा। और बाहर का व्यू इसका ऐसा है। तो अंदर का व्यू तो आपको दिखाई दिया मैंने एक बार, तो आप बाहर का व्यू देख सकते हो। तो छोटा सा मंदिर है। तो इसके बाद चलते हैं हम अगले मंदिर, अपने हरजू भगवान के मंदिर। तो वहाँ दिखाते हैं आपको। तो आजकल जो पहाड़ों में खेती, कहा मैंने आपसे, सब बंजर कर दी गई हैं। तो यहाँ पर पूरी जो कुमरी घास कुनी जो हूँ, तो वो लग गया पूरी यहाँ, तो दिखी ना तुमको सब, तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। तो बाकी इसमें पीछे देख रहे होंगे आप, तो इस रास्ते आए हम अभी, तो पूरा ही कुमरी झाड़ कहते हैं जिसे, तो हुआ हुआ है यहाँ पर पूरा खेत में। तो बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ आप, और मंदिर दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो सामने, ये मंदिर का गेट है हमारा हरजू का। तो जैसे कि आप सामने गेट के अंदर एंट्री करेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे मंदिर। तो मंदिर के अंदर चलते हैं आप। तो जैसे कि आप मंदिर के चारों तरफ देख रहे हो, तो ये मंदिर के पे हाल थोड़ा ख़राब हुए हैं, क्योंकि जो नीचे जो अभी मैदान पे यहाँ पर घास ही घास हुई है। तो आजकल तो इस टाइम पे, तो असोज के टाइम पे, असोज का तो मेहनत लगा है, तो असोज के टाइम पे तो ऐसे भी घास ज़्यादा होती है। तो आजकल मंदिर में घास बहुत हुई है। तो बाकी आप देख सकते हो मंदिर के चारों तरफ तो कैसा दिख रहा है, और चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको मंदिर के बारे में। तो आप सामने देख रहे हो जैसे कि वो, तो देव मैया का मंदिर है, अभी इसके बाद वहाँ जाएंगे हम। तो इस टाइप से चारों तरफ का व्यू है इस मंदिर से। तो बाकी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं हम अब, तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो ये हरजू का मंदिर है जो यहाँ पर स्थापना की गई है हरजू की। तो ये भी बहुत टॉप में है हमारे मंदिर, ये वाला मंदिर जो कि गांव के बहुत ही टॉप में है। गांव आपको नीचे दिख रहा होगा, तो आप अगली, ये गांव के बहुत ही टॉप में है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो ईंट और जैसे कि कंकर और बहुत चीज़ देख रहे हो, तो अभी ये गांव, अभी इसकी मरम्मत होने वाली मंदिर की। तो ये मंदिर का अभी नए से निर्माण होगा। तो चारों तरफ से अभी जो देख रहे हो आप, तो अभी तो सिर्फ दीवार लगी गई है, चारों तरफ से लगाई गई है। तो बाकी जो मंदिर है वो आप बढ़ने वाले हो जल्दी, बहुत जल्दी। तो उसमें वीडियो भी दिखाऊंगा आपको मैं जब मंदिर बनेगा। तो बाकी आप देख ही रहे हो अभी मंदिर की चारों तरफ से, तो इसकी भी अभी मंदिर का अभी निर्माण हॉल और दोबारा भाई मंदिर आई ठुल बड़ गया बाद। तो वो वीडियो में आप, वीडियो में अगली बार, वीडियो में जब आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल का, तो अगली बार वीडियो में जब दिखूँ मैं मंदिर बढ़ते हुए दिखूँ आपको, तो बकाया आपको चारों का व्यू कैसे दिख रहा है वो बता देना मुझे एक बार। तो चलो चलते हैं, आप जो मंदिर बोला मैंने आपसे, तो वहाँ उस साइड को,
तो उस साइड चलते हैं देवी मैया के मंदिर, और बाकी आपको दिखाते हैं देवी मैया का मंदिर। तो चलो चलते हैं उस साइड को। आप जैसे कि उत्तराखंड में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर वास रहता है, तो यही है कि हर गांव में आपको चार चार पाँच पाँच मंदिर मिल जाएंगे और आपको हर रोड के किनारे भी मंदिर मिल जाएंगे। तो यही है उत्तराखंड की विशेषता कि यहाँ पर देवी देवता का भूमि कहा जाता है इसको। तो बाकी आपको दिखाते हैं अपना मंदिर आगे का, और बाकी पीछे का मंदिर आपको दिखा दिया है मैंने। तो चलते हैं आगे के मंदिर में आप, और जो देवी मैया का मंदिर है वहाँ भी दिखाते हैं आपको, उनका भी दर्शन कराते हैं। चलो चलते हैं। देवी मंदिर हमारा तो हमारे गांव का देवी मंदिर है, तो सबसे टॉप में है हम गांव के। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो आप मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये जो धूड़ी है गांव की इस मंदिर की, तो जहां पर हम रात में जहां पर जग लगती है रात और दिन को, तो जब मंदिर में जब कोई प्रोग्राम होते तब वो लगता है, और नवरात्रि के अष्टमी नवमी भी लगेंगे यहाँ पर प्रोग्राम हो गए, तो वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ मैं अंदर। मंदिर है तो आपको सामने दिख रही होगी देव मैया, तो बाकी बहुत ही शानदार मंदिर बनाया है गांव में ये वाला। ऐसे ही वो जो आपको दिखाया मैंने हरजू का मंदिर, वो भी बनने वाला है। जब वो बनेगा तो पूरा बन जाएगा, तो उसके बाद आपको उसकी वीडियो भी लेके आऊंगा मैं। तो आप इस तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये काली मैया का, काली माता का है, और ये वाली देव मैया है। बाकी नीचे भी छोटे छोटे मंदिर आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो नीचे भी स्टोर रूम है, तो बाकी यहाँ भी दिख रहे होंगे, भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं, तो शीशा लगा हुआ है बाहर से इसलिए आपको दिख नहीं पा रहे होंगे। तो बाकी आपको चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ इस मंदिर का एक बार। मैंने आपको पूरा अपने गांव के तीन मंदिर थे जो गांव के दिखा दिए हैं, तो पीछे आपको दिखा दिया देव मैया है, और जो सामने आपको दिखाया था मैंने, तो इस साइड से जो सामने मंदिर था आपको वहाँ से दिखाया मैंने, तो वहाँ पर हरजू का मंदिर है, जो भी सेम ऐसे ही बनेगा आने वाले टाइम पर, और आपको बताऊँगा मैं वीडियो में दिखाऊँगा। तो बाकी जो मंदिर है ये देव मैया का था। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।